हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी पे। तो अगर आप भी हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए शॉर्ट हैंड गुरुजी चैनल को और क्लिक करिए इस घंटे पे, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख पाए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं रेगुलर हिंदी डिक्टेशन, शॉर्ट हैंड की आउटलाइंस और शॉर्ट हैंड से जुड़ी सारी जानकारियाँ। रेडी स्टार्ट। उदय समस्या का समाधान ऐसा होना चाहिए जो स्थायी हो, उनके लिए तकनीक ढूंढी जाए, वह वर्तमान पीढ़ी परिष्कृत करे कि इस तरह विकसित करे कि इससे आमदनी भी हो और स्वरोजगार के अवसर बढ़ें। ईंधन की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित गांव हैं, वहां तो जल्द से वैकल्पिक साधन भी नहीं मिल पाते। आवश्यकता है गांव के परिवेश में ही वैकल्पिक साधनों की खोज की जाए। गांव की समस्या का हल गांव में ही खोजा जाए। मनुष्य केवल ऐसा जीवधारी नहीं है जो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं तक ही सीमित रहे। सच है कि खान पान, वस्त्र, भवन और औषधियां हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना हमारा जीवन, सामाजिक और वैयक्तिक जीवन भली भांति चल पाना कठिन ही नहीं असंभव सा है। जीवन के लिए और विशेषकर उन्नत सामाजिक जीवन के लिए हमें आधुनिक जीवन साधनों की आवश्यकता है। ज्ञान विज्ञान ने सुख सुविधाओं के जितने उपकरण आज जुटाए हैं, सभी से अपने जीवन को अलंकृत और सुविधामय बनाने के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील है। वह चाहता है कि वह खूब पढ़े लिखे, अपने उद्योग व्यवसाय में परिश्रम कर तथा अपने आर्थिक और भौतिक जीवन को उन्नत करके अपने और परिवार के लिए अधिकाधिक सुविधाएं जुटाए। शरीर के साथ ही उसके पास एक मन भी है जो अनंत शक्तिशाली और गतिमान है। यदि मनुष्य इस मन को स्वस्थ प्रफुल्लित नहीं रखता तो उसका स्वस्थ शरीर भी कुछ दिन में ही रोगी और बोझिल सा हो जाएगा। अतएव श्रम से थके व्यक्ति को तन मन के मनोरंजन के लिए यदि कुछ साधन सुलभ नहीं कराए जाते तो व्यक्ति टूट जाता है, उसकी क्षमता और दक्षता घट जाती है तथा जीवन के प्रति उसका प्रेम और मोह कम हो जाता है। जीवन शक्ति के इस क्षय से व्यक्ति की बुद्धि स्वस्थ और चैतन्य नहीं रहती। मनोरंजन का अर्थ है मन को प्रसन्न रखना, मन को प्रसन्न रखने के साधन जुटाना। सभ्य और प्रगतिशील संसार मनोरंजन के नित नए नए साधनों को खोजता और जुटाता जा रहा है, ताकि अपनी जीवन शक्ति के लिए अधिकाधिक खाद्य जुटा सके। प्राचीन युग में विश्व के विभिन्न देशों में मनोरंजन की भिन्न भिन्न साधन और रूप प्रचलित थे। मनोरंजन के आधुनिक साधनों में रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र, स्विमिंग पूल, तैराकी दौड़, घरेलू खेल, कवि सम्मेलन आदि उल्लेखनीय हैं। गांव के लोगों के लिए मनोरंजन के साधनों का इतना अभाव है कि मनोरंजन के साधन उनके लिए विलास और आवारागर्दी के पर्याय मान लिए गए हैं। यहाँ तक कि शारीरिक व्यायाम और कुश्ती तक उनके लिए कुलीनता के चिन्ह नहीं है। मित्रता की क्या परिभाषा और लक्षण है, इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विचार किया है। श्रीमती महादेवी वर्मा ने लिखा है, समानता के धरातल पर सुख दुख का मुक्त आदान प्रदान ही मित्रता की सही परिभाषा है। मित्रता के लिए आवश्यक है मन का समान धरातल। आवश्यक नहीं कि हमारा मित्र सामाजिक, आर्थिक,
जातिगत अथवा शैक्षणिक दृष्टि से हमारे बराबर हो, किंतु हमें परस्पर व्यवहार करते समय एक ही व्यवहार भूमि पर आना होगा। मनुष्य को मनोरंजन की बहुत आवश्यकता तब हो जाती है जब वह अत्यधिक दबाव महसूस करने लग जाता है। ऐसे समय में यदि उसे मनोरंजन न प्रदान किया जाए तो वह अव्यवहारिक सा प्रदर्शन करने लगता है।